दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 12 साल बाद मैदान पर लौटे जयदेव उनादकट ने आते ही मचाया अपनी गेंदबाजी से कोहराम। जी हां दोस्तों, जयदेव उनादकट ने 12 साल बाद लौटते ही अपने पहले ही मैच में मचाया बवाल। जयदेव उनादकट के साथ रविचंद्रन अश्विन ने मिलकर अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। विरोधी टीम के सभी बल्लेबाज इन दोनों गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। तो आखिरकार कैसे इन दोनों तूफानी गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश की पूरी टीम सरेंडर हो गई, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन में कौन है खतरनाक गेंदबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम चट्टोग्राम के बाद ढाका के मैदान पर टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है, जहां पर विरोधी टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव की जगह पर जयदेव उनादकट को खेलने का मौका मिला। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत तो मोहम्मद सिराज ने की और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पारी की शुरुआत संतो और जाकिर हसन ने करी। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से पारी की शुरुआत कर डाली, लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव ने जाकिर हसन को बिना खाता खोले ही आउट कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उनका कैच छोड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार भारतीय टीम को लंबे प्रयास के बाद 39 रन के स्कोर पर दो बार जश्न बनाने का मौका मिल गया। जी हां दोस्तों, 14 और 15वें ओवर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आखिरकार भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 15 के स्कोर पर जाकिर हसन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संतो भी अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर 24 रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए। अब दोस्तों, ऐसे में पारी को संभालने का काम मोमिनुल और कप्तान शाकिब अल हसन ने किया और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंच तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 43 रन की पारी खेली और इस बीच पहले सत्र में 82 रन और 2 विकेट आ गए थे। इसके बाद जैसे ही लंच समाप्त हुआ तो पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव ने पहली ही गेंद पर शाकिब अल हसन का सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। आपको बता दें कि शाकिब अल हसन 16 रन बनाने के बाद उमेश यादव की गेंद पर चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। और आपको बता दें कि भारतीय टीम के बीच में काफी ज्यादा फील्डिंग खराब देखने को मिली और जिसमें शाकिब अल हसन की स्टंपिंग ऋषभ पंत ने छोड़ दी और दूसरी तरफ विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मिलकर मोमिनुल का कैच भी छोड़ दिया। हालांकि गेंदबाजों ने निरंतर खतरनाक प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को एक तगड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच 38वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को लगातार 3 चौके मुशफिकुर रहीम ने लगा दिए, तो वहीं 39वें ओवर में अक्षर पटेल को लगातार 2 चौके मोमिनुल ने लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसी बीच 41वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्कोर को 130 रन तक पहुंचने दिया और चौथा विकेट भी झटक लिया और इस बार शानदार गेंदबाजी करते हुए जयदेव उनादकट ने मुशफिकुर रहीम को 26 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लिंटन दास आए और उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मोमिनुल के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, परंतु इस बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने साझेदारी को तोड़ दिया और इस बार गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने 49 ओवर में लिंटन दास को 25 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मेहदी हसन आए और उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए वनडे में भारतीय टीम के मुंह से जीत छीन ली। और आपको बता दें कि परंतु इसी बीच दूसरे सत्र का खेल भी यहां पर समाप्त हो गया था और 184 रन पर 5 विकेट बांग्लादेश के गिर गए थे और इस सत्र में 102 रन और 3 विकेट आए। लेकिन जब चाय के बाद अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो अक्षर पटेल और जयदेव उनादकट दोनों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ा दिए और धारदार गेंदबाजी करी। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने 65 ओवर में 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और इतना ही नहीं, अगले ओवर में मोमिनुल ने अपना पहला छक्का भी लगाया, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए 67वें ओवर में बांग्लादेश की टीम को 6वां झटका दे दिया। आपको बता दें कि मेहदी हसन 67वें ओवर में 15 रन बनाने के बाद उमेश यादव की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नूरुल हसन मैदान पर आए और इन्होंने आते ही पारी को संभाल लिया और साथ ही साथ रन रेट को भी बढ़ाने की कोशिश की। इसी बीच 69वें ओवर में उमेश यादव ने विरोधी टीम का एक और विकेट नूरुल हसन के रूप में 6 रन के स्कोर पर गिरा दिया।
हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद भारत ने रिव्यू लिया और नूरुल हसन 6 रन के स्कोर पर LBW आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने इस्लाम आए। और इसी के साथ ही 69वें ओवर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 219 के स्कोर पर 7 विकेट के साथ रोक दिया। और जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी देखने को मिली, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 260 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर देगी। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम बांग्लादेश को कितने रन पर ऑल आउट कर पाएगी? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।